हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आपको पता ही होगा कि मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत अपने कासल को अपग्रेड किया था। तो आज मैं एक फुली आर्मर बनाने जा रहा हूँ, एक आयरन आर्मर। तो वो आयरन आर्मर आप देख के समझ जाएंगे वो कैसा होगा। मतलब चेस्ट प्लेट बहुत सारा चीज़ होता है, मतलब कि आर्मर, फुली बॉडी आर्मर, वो सब चीज़ थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, वो आयरन का बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के गेम की तरफ। तो यहाँ पर गेम में देखिए, मेरा दिन बहुत ज़्यादा ही ख़राब दिख रहा है क्योंकि बारिश हो रहा है, और बारिश होते हुए बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा व्यू थोड़ा ख़राब हो जाता है। मतलब कि ऐसे देखिए कितना मस्त लग रहा है, नॉर्मल ठीक दिख रहा दिखता है, लेकिन अभी व्यू पूरा ख़राब हो चुका है। उससे मैं हंग्री भी हूँ, हंग्री ईटिंग कर ले तो कुछ भी कैसे ईट कर लेता है। हाँ चलो ठीक है, तो मेरा पेट फुल हो चुका है, और मैं थोड़ा बहुत कासल का व्यू दिखा देता हूँ। और हाँ, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये, जैसे क्या बोलते हैं, ये ब्रिक स्टोन बोलते हैं इसको, और ये ब्रिक स्टोन कैसे बनता है। पहले जो हम लोग ये तोड़ते तो ये कॉबल स्टोन टूटता है, और कॉबल स्टोन टूटने के बाद उससे वो क्या बोलते हैं, फर्नेस में मेल्ट करने वक्त हम बन जाता है एक तो स्टोन, और स्टोन से हम लोग बनता है क्राफ्टिंग टेबल से ब्रिक स्टोन। मैं बना कर दिखा देता हूँ, मेरे पास कॉबल स्टोन होगा। देखो 4 कॉबल स्टोन, रुको रुको, पहले फर्नेस पे मैं डाल कर दिखा देता हूँ आपको। या नहीं, फर्नेस में देखो मैं पहले से डाल के रखा हुआ था। तो ये सब स्टोन उठा लेता हूँ, 4 उठा लेता हूँ, और देखिए कैसे बनेगा। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर रखा हुआ है, क्राफ्ट करूँगा मैं, और देखिएगा एक ब्रिक स्टोन बन के तैयार हो जाएगा, जो कि सही रहता है। अरे यार, मोबाइल में थोड़ा पहले से दिक्कत होता है, वैसे लैपटॉप में मैं कर लूँगा। मुझे किसी ने कमेंट करके बताया कि हाँ, लैपटॉप में भी मतलब कि जो सीड होता है उससे कर सकते हैं वर्ड, मतलब कि वही खुल जाएगा। तो ट्राई करना है, ट्राई करूँगा मैं। तो यहाँ देखिए एक ब्रिक स्टोन बन के तैयार हो चुका है, और ये ब्रिक स्टोन आप खुद देखिए मतलब कि किस टाइप का थोड़ा अच्छा लुक देता है, एक कासल टाइप का लुक देता है। तो आपको जैसा पता ही होगा, ये मेरा पिकेक्स है, देखो कितना फास्ट भी टूटता है। ये मैंने आयरन का पिकेक्स बना लिया था, और मैं अपना घर का थोड़ा बहुत बाहर से व्यू दिखा देता हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या है, ये देखो, ये है एक महाशय जिसे मैंने कैसे कैसे करके बंद कर लिया। ये जॉम्बी है एक, तो खैर इसे मैं मारूंगा नहीं, इसे रखते हैं। और देखो कासल का व्यू कितना मस्त आ रहा है, और मेरे बगल ही में एक विलेजर्स जो होता है जॉम्बी टाइप का विलेजियन, कुछ नाम मुझे पता नहीं है, उनका ये टावर है, और उन्होंने आयरन आयरन गोलम को पकड़ के रखा था, तो मैंने उसे आज़ाद किया। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गया था, वो वीडियो मेरा रिकॉर्ड हुआ नहीं, लेकिन मैंने माइनिंग पे गया था, और माइनिंग पे जाने के बाद मैंने बहुत सारा चीज़ कलेक्ट किया, जैसे कि ज़्यादा आयरन ही कलेक्ट हुआ मेरे से। आयरन को पहले मेल्ट किया मैंने, और मेरा ये आयरन बन चुका है, दिखा रहा हूँ मेरे को आयरन। देखो मैं 36 आयरन इंगट, आयरन इंगट, और आयरन इंगट से मैं अपना फुली आर्मर बनाऊंगा। और देखिए आप फुल आर्मर कैसे बनेगा, मुझे रेसिपी पता नहीं है, तो रेसिपी के लिए मैं चल जाता हूँ ये इक्विपमेंट में। तो एक बन जाएगा हेलमेट, आयरन हेलमेट, एक आयरन चेस्ट प्लेट, और एक आयरन लेगिंग्स, और एक आयरन बूट्स। तो ये 4 चीज़ मैंने बना कर रख लिया, ये बन गया ना। हाँ ठीक है, बन गया। और इसे अप्लाई करना है अपने बॉडी पे, जिससे बहुत ज़्यादा ही ये हो जाएगा। रुको, पहले एक तो कहाँ चल गया मेरा आयरन चेस्ट प्लेट, आयरन चेस्ट प्लेट कहाँ चल गया मेरा, मुझे याद है मैंने बनाया था। रुको, कुछ कचरा सामान बाहर फेंकना होगा, मैं फेंक कर आता हूँ, ये भी फेंक देता हूँ। क्या फेंके, ये बेकार है, ये बेकार है, ये सब। अरे हाँ, मैंने बताना भूल गया कि ये जो जॉम्बी विलेजर लोग के बगल में एक तो खुदला हुआ था, ये क्या बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं, ऑब्सीडियन जो होता है उसी का दूसरा भाई होता है, और उसी का बना हुआ रहता है, मतलब कि ये उसी के बगल में चेस्ट भी रहता है, और उसमें से मिला था मुझे गोल्डन एप्पल। उसमें मुझे पता नहीं इसका क्या यूज़ है गोल्डन एप्पल का, मैं बाद में देख लूँगा। और आयरन चेस्ट प्लेट ठीक पहले, आयरन बूट तो मेरे पास पहले से ही है,
ओ हाँ, मैंने दो दो क्राफ्ट कर लिया था शायद। तो जल्दी से रेसिपी की तरफ आते हैं और एक चेस्ट प्लेट क्राफ्ट कर लेते हैं, और फुली बॉडी आयरन। रुक जाओ रुको, इसको हटाओ। ये आयरन का चेस्ट प्लेट बन लिया। अब देखो मेरा कैरेक्टर एकदम ओपी लग रहा है भाई। बस आइट्रो शील्ड बनना। शील्ड कैसे बनता है मुझे पता नहीं है, देखते हैं रेसिपी में। शील्ड शील्ड भी बन जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। एक शील्ड बन गया, और शील्ड भी भाई देख लो। अब मेरा कैरेक्टर जो हो गया ना एकदम फुली एंचेंट तो नहीं बोलेंगे, ये एंचेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या बोलते, सिर्फ नॉर्मल सा एक आयरन आर्मर है। तो उसमें डायमंड आर्मर आता है, गोल्ड आर्मर होता है, और भी क्या होता है, नेदराइट का आर्मर भी होता है। वो सब भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी मुझे क्या करना है, रुको, ये आयरन पिकेक्स की जगह मैं ये आयरन शॉर्ट पकड़ा देता हूँ। अब देखो, अब किसी से डर नहीं लगता, मतलब कि कितना भी बड़ा जॉम्बी क्यों ना आ जाए, लेकिन अब किसी से डर नहीं लगेगा। वैसे मेरा एक चीज में हालत बहुत खराब हो गया था, ये जो एरिया है ना इसे पूरा फ्लैट करने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया ना। रुको, आज मेरा नाश्ता है तुम बंदी के। देखो भाई, एक एक मतलब एक हिट में मर गया। अब बगल में शिप भी है तो दौड़ के जाएंगे, इससे मारेंगे। शिप ही है ना? हाँ शिप है ये। तो ये तो दो हिट में मरा है, लेकिन खैर ये देखो, अरे ये हाँ ये पता, ये कुछ अलग सा स्टोन है, ये मुझे माइनिंग करने पर मिला था, तो मुझे इसका पता नहीं क्या क्या बन सकता है, इसका यूज़ क्या है। और भले वो जॉम्बी को तो मैंने कैसे कैसे करके उसे पकड़ा था, वो तो भाग ही रहा था भाई। ये जॉम्बी खड़ा हुआ है ना, रुको, हाँ यही जॉम्बी है। और बगल में देखो यार, हॉर्स। अरे रुको रुको, एक चीज़ मैंने देखा, मेरे सामने कुछ तो है येल्लो येल्लो जैसा। ये क्या है भाई, दिखने से पंपकिन जैसा दिख रहा है। कलेक्ट करके देखते हैं टूटा का नहीं टूटा। तो ये क्या है, पंपकिन मिल चुका है, पंपकिन। तो ये पंपकिन है और ये बैम्बू है, बैम्बू। तो बैम्बू कैसे टूटेगा? अरे भाई पांडा, रुको, पांडा को हम पाल सकते हैं क्या? नहीं, तो ऐसा कुछ तो है नहीं है पास। और ये बगल में पिग है, और ये देखो ये कुछ अलग ही टाइप का चीज़ है, पता नहीं क्या है। मुझे तो एक लैम्प जैसा दिख रहा है जो रात में ग्लो करेगा। रुको, थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। ये क्या, ये कुछ स्टोन है क्या, कि पत्थर क्या है, मतलब कि डर्ट जैसा लग रहा है। ये कुछ न्यू आइटम मुझे दिखा है, तो इसे कलेक्ट करके देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। कलेक्ट हुआ ना, रुको, इस क्या फेंकना चाहिए, सैंड फेंक देते हैं। कलेक्ट हुआ, कलेक्ट नहीं होता, नहीं, कलेक्ट हो रहा है। मड, ये मड है, मुझे लगा ही था कि वो कुछ ऐसा ही होगा। अरे एक मिनट से, शायद से शाम होने वाली है, तो शाम होने में टाइम है। पहले ये कुछ न्यू एरिया एक्सप्लोर करने को मिला है मुझे, तो यहाँ चल कर देखते हैं क्या कुछ ज़ॉम्बी में का साउंड आ रहा है यहाँ पर। तो रुको रुको रुको, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देना होगा। और गाइस अभी रात हो चुका है, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत बार मर चुका हूँ ज़ॉम्बी से, और जल्दी से जाकर सोना पड़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे नेक्स्ट वीडियो में क्या, तो सुबह में मिलते हैं। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, तो यार भाई ने देखो भाई, वो लोग जल रहे हैं रात, सुबह में वो लोग जलते हैं, पता नहीं किससे जल रहे हैं। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, तो भाई ने बनाया तो सही है घर एकदम, मतलब कि एकदम छोटा सा है लेकिन राजा महाराजा वाली फीलिंग देते हैं। क्योंकि देखो साइड में दो तरफ, एक इधर सीढ़ी और एक इधर पर सीढ़ी। अरे रुको रुको, मैं उसे मारूंगा।
कहाँ गया? स्पाइडर, स्पाइडर ही जैसा दिख रहा था, लेकिन मैं उसे मारूंगा। इसे मारने से कुछ मिलता भी है कि बेकार, मतलब कि मैंने अपना टाइम बर्बाद किया। खैर छोड़ो, अब हम जाएंगे जो जॉम्बी लोग का विलेजर, नहीं बोलेंगे विलेज, जो भी मुझे नाम नहीं पता, मैं वहीं जाऊंगा। लोग कांसल में रेड कर देते हैं भाई। एक मिनट एक मिनट, ये क्या है? ये कुछ न्यू दिखा है मुझे, इन लोग से छुप कर रहना होगा। ये कुछ किसी को इन लोगों ने मतलब कि अरेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कि बंदी बना कर रखा हुआ है, तो हम इसे रेस्क्यू करेंगे। तो क्या पता हम बहुत ज़्यादा ही, रुको रुको कैसे होगा, एक्स तो है मेरे पास। तो ये क्या, ये मेरा पेट बनेगा? क्योंकि पैल वर्ल्ड में पेट बन जाता है लोग। रुको 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 एक मिनट, कुछ ऑप्शन आ रहा था इन लोगों से। मैंने उसे एक एक्स पकड़ा दिया हाथ में, लेकिन उसने फेंक दिया शायद से। क्या छोड़ो, हम चलते हैं, इनसे पंगा लेते हैं। चलो, अरे भाई मैं कहाँ गया, इन लोगों से पंगा लेते हैं। रुक, अरे यार कहाँ गिर रहा हूँ मैं, इन लोगों से पंगा लेते हैं। रुको रुको, यहाँ पर आयरन गोलेम भी है। एक आइडिया, मैं आयरन गोलेम को रेस्क्यू कर दूंगा, तो फिर ये लोग जाकर उसे मारेंगे। अगर ऐसा हो तो मज़ा ही आ जाएगा। ओ भाई आयरन गोलेम, कुछ जाओ उन लोग को मारो। मुझे किसने मारा? अरे यार मेरा हेल्थ एकदम खत्म, मुझे उसे मारना ही होगा। तो भाई फाइनली मैंने उसे मार दिया, जो अजीबो गरीब सा था, मतलब कि विलेजर आगे की तरफ, और भी है, मेरा हेल्थ खत्म हो चुका है, तो मुझे अब खाना खाकर अपना हेल्थ बढ़ाना होगा। तो मुझे पता नहीं वो कैसे आया, वो पंगे लेने लगा, तो हम भी दिखा दिया अपना कि हम भी कितना ताकतवर है। तो मेरा ये तो फुल है, वो देखो एकदम तो चेस्ट के बगल ही में जाके वो खड़ा हुआ है। अरे भाई आयरन गोलम, हम लोग की मदद करो। ओ अच्छा, इसका हाइट कुछ ज़्यादा है, इसीलिए ये बाहर नहीं आ रहा। रुको भाई, तो पूरा रास्ता खोल दूंगा मैं। जाओ उन लोग को मारो, जाओ जाओ जल्दी। अरे यार इतना आराम से क्यों जा रहा है? चलो छोड़ो, हम लोग जाते हैं यहाँ पर लूटा मारी करने। तो ये हमसे पंगा ले रहा है, इसे देखो थोड़ा कंट्रोलिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि कैमरा व्यू हम लोग चेंज हो जाता है ना, मतलब कि खैर उसे चलाने दो, अपना ये पे करते हैं। यहाँ चलते हैं, अब घर में देखते हैं लोग का क्या है, मतलब कि लोग का विलेजर टावर में। मेरा हेल्थ तो एकदम कम हो चुका है गाइस, मैं क्या बोलूँ। घर में तो कोई है। मर जा मर जा गाइस, मेरा कितना एचपी कम हो गया मुझे खुद नहीं पता, एकदम कम हो चुका है। अब एकदम चौकन्ना होगा, जाना होगा। कोई है तो नहीं? कोई है? ओ मेरा क्या क्या सामान था वहां पर, मुझे जा के लेना होगा। चलो जल्दी से चलते हैं, जल्दी से सारा सामान उठाएंगे और नीचे आ जाएंगे एकदम फास्ट फास्ट। रुको रुको, कुछ सामान यहीं पे गिरा हुआ मेरा। एक मिनट एक मिनट,
ये रुको, इसे यूज़ कैसे करते हैं? गाइस क्या मिला मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ बढ़िया मिला। वो कहाँ है विलेजर, कहाँ चला गया वो? गाइस अपना काम भी हो गया और इधर मुझे कुछ न्यू चीज़ मिल गया, न्यू आइटम। जल्दी से सामान कलेक्ट करो, और क्यों नहीं रहा, कुछ कचरा आ गया क्या? इसे फेंक दो, इसका कोई काम नहीं है। इसे फेंक दो, इसे फेंक दो, और तो कुछ है नहीं चाहते, और कुछ नहीं, बेकार है। यहाँ देखते हैं इसमें क्या मिलता है। ये क्या है? तो 1 मिनट, कुछ फेंकना चाहिए होगा। इसे फेंकता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, इसे भी, इसे भी, इसे भी। अरे अच्छा, एक न्यू वाला ले लेता हूँ, क्रॉस बो बोलते इसको, क्रॉस बो। तो एक क्रॉस बो मुझे मिल चुका है, बस एरो बनाना और लग जाना है इन लोगों को मारने के लिए। वो देखो, वो लोग वहीं पर घूम रहे हैं, तो जल्दी से जाकर उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि हम लोग का पेट बंधने के तैयार है कि नहीं। वो उन्हें बांध कर रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना, वो सा तो कुछ नहीं है मेरे पास। रुको, देखते हैं रेसिपी में जाकर। रस्सी ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ये गाय ऐसा कुछ भी नहीं है। फटाफट से जाते हैं, उनसे बात करते हैं। एक ही है, दो था ना शायद, दो दो को मैंने आज़ाद किया था। अच्छा गाइस, फाइनली मैंने उसे ये वुड पकड़ा दिया, वुडन ब्लैंक जो भी ब्लैंक है शायद से। अब देखते हैं वो ऐसा कुछ भी देखेगी तो हमें ला कर दे देगी। खैर चलो गाइस, यहाँ पर अपने घर चलते हैं, मेरा घर का, मेरा घर देखो, फाइन उधर तरफ, आगे आगे की तरफ, जल्दी से घर चल। और 1 मिनट, घर में मेरा अंधेरा बहुत ज़्यादा है। बेड कहाँ मेरा? बेड में फटाक से नहीं सो सकते मॉन्स्टर? इसमें बता रहा है कि कोई बगल में है मॉन्स्टर, कौन है भाई, जरा दिखाओ तो अपना शक्ति। अब चलते हैं सोने के लिए। अब फाइनली गाइस मैं सो चुका हूँ, अब नेक्स्ट सुबह में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर तो इसने बहुत ज़्यादा ही नाक में दम कर दिया था, देखो ये लोग सब मर भी रहे। मेरा बस सामान बस मिल जाता ना। ओह थैंक गॉड, मतलब कि किसी भी चीज़ का मेरा हेल्थ कम नहीं हुआ, मतलब कि किसी भी आर्मर का। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या पूरा ज़्यादा ही रेडी हो चुका है मेरा पूरा एरिया? अरे मेरा गोल्डन एप्पल देखो, वो मेरा पेट बन चुके हैं, अब वो हमेशा शायद से मेरे पीछे ही आते रहेंगे, तो मुझे उनकी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा सब सामान था, कलेक्ट हुआ ना? रुको, कलेक्ट हुआ नहीं शायद से, हाँ हो गया। अरे यार मैं फिर मच्छर क्यों काट रहा? तो मेरा सब सामान मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, और अरे कौन मार रहा है मुझे? ओके, शायद क्रीपर का, क्रीपर फूट टूटा था वहां पर, इसीलिए हुआ। तो अब मैं टॉर्च लगा के रखूंगा अपने घर में, क्योंकि आप भी देख सकते हैं क्या क्या हो चुका है मेरे साथ। तो टॉर्च फटाफट से बनाना होगा। टॉर्च बनाने की रेसिपी, रुको पहले कोल थोड़ा बहुत इकट्ठा करना होगा, यहीं पर कोल बहुत सारा है मेरे पास। और एक पहले
स्टिक बनाना होगा। स्टिक तो ऐसे ही बन जाएगा बहुत सारा। चलो मैंने बहुत सारा बना ही लिया, तो यहाँ से कोल एक टॉर्च बना लेता हूँ। अरे टॉर्च टॉर्च 8 पीस बना लिया हूँ मैं, 8-10 पीस बना लेता हूँ। ये से ये क्या है, लूम कुछ ऐसे म्यूजिक होगा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो टॉर्च कहाँ कहाँ प्लेस करना चाहिए, पहले एक इधर लगा देता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने अपने पूरे घर में टॉर्च लगा चुका है, तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा लुक भी आएगा। उसे मैं बाहर से दिखाता हूँ अपना घर का लुक। तो आज का टास्क मेरा पूरा हो गया। मुझे बनाना था एक फुली आर्मर, मतलब कि आयरन आर्मर। तो आयरन आर्मर बन चुका है, और मैंने एक तो न्यू पेट को भी रेस्क्यू किया, उसका नाम मुझे पता नहीं है। मैं मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगा, या आप किसी को पता है तो कमेंट करके बता दो। रुको थोड़ा बहुत उछल कर दिखाना होगा। अरे यार तो ये देखो भाई, भाई का घर एकदम सही लग रहा है देखने से, कितना मस्त लग रहा है घर अपना। और हाँ, शुरू में तो आँख में ठीक दिखो क्या, वो स्टार्टिंग में मेरा आँख थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा हो, क्योंकि गाड़ी चलाता है वो आँख में धूल चल जाता है। तो खैर गाइस, यहाँ पर देखो अपना भाई का घर भी एकदम सही हो गया, और अपना एक फुली आर्मर भी हो चुका है यहाँ पर एकदम मस्त पूरा एकदम। आर्मर का हेल्थ भी लगभग फुल ही है। तो यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। जो अब आज का मेरा मेन टास्क था फुल आर्मर बनाना, उसके बाद तो जो करना होगा करेंगे ना भाई, जो भी बिल्ड करना होगा। तो गाइस अब यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। और हाँ, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत कुछ होने वाला है माइनक्राफ्ट के अंदर। वैसे बहुत कुछ हो चुका है, अभी बहुत सारे अपडेट्स भी निकले हैं, जैसे मैंने सुना कि कैमल भी आया, बहुत कुछ मैंने बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करूंगा माइनक्राफ्ट पे, मतलब एक सर्वर बनाऊंगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जाके खेलूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वो आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।